हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आप सभी को जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ दोस्तों, तो शारदीय नवरात्रि 2024 में नवरात्रि के दौरान करें ये खास उपाय, जिससे माता रानी की कृपा आप पे बनी रहेगी और हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको नवरात्रि में ये खास उपाय क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, नवरात्रि की रात माँ दुर्गा को केसर की खीर और मिश्री का भोग लगाएं, फिर माँ के सामने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपासना करें। इसके अलावा नवरात्रि की चमत्कारी रात में घर के मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक श्री या ओम का निशान बनाएं और फिर एक चौमुखी दिया जलाएं। ये उपाय कर बहुत ही खासकर उपाय है, आप ये उपाय जरूर करें और ख़ास करके शनिवार का दिन है आज, तो आप ये उपाय जरूर करें। आज के दिन शनिवार के दिन काले तिल और सरसों का तेल, शनिदेव के शनिवार के दिन एक कटोरी में काले तिल और सरसों का तेल रखें और शनिदेव को अर्पित करें। काले कंबल का दान किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले कंबल दान करें। शनिवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और नवरात्रि में शनिवार शनि मंदिर में सरसों का दीपक जरूर जलाएं और पीपल के वृक्ष की पूजा आप जरूर करें और एक नारियल का दान करना बहुत ही बेहद शुभ हो। और दोस्तों, नवरात्रि की रात माँ दुर्गा के आगे शुद्ध घी का चौमुखी दीपक जलाएं और उसमें चार लौंग डाल दें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इसके अलावा नवरात्रि की रात लाल कपड़े में पान के पत्ते और सिक्के बांधकर माँ दुर्गा के आगे रख दे, फिर लाल कपड़े की पोटली को तिजोरी में रख दे, इससे धन से जुड़ी हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, नवरात्रि में आप माता को कैसे खुश कर सकते हैं, तो नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके अलावा नवरात्रि के दोनों में आपको तुलसी का पौधा भी घर में लाना चाहिए। नवरात्रि के पावन पर्व पर तुलसी का पौधा घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में घर ले आए ये चार चीज़ें, जिससे आपकी फूटी किस्मत ही बदल सकती है। तो दोस्तों, पहला है, अगर आप जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के दौरान चांदी से निर्मित माँ दुर्गा की प्रतिमा जरूर घर में ले आए। आप अपनी सुविधा के अनुसार नवरात्र के किसी दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा घर ला सकते हैं और माँ की प्रतिमा को स्थापित कर विधि विधान से पूजा करें और इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक एवं वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और दूसरा है, अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो इससे निजात पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के दौरान डमरू घर ले आएं, वही पूजा के समय विधि विधान से डमरू की पूजा करें, इसके बाद पूरे घर में डमरू बजाएं। इस उपाय को करने से वास्तु दोष आपके दूर होते हैं और साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और तीसरा है, अगर आप काली साया या बुरी नज़र से परेशान है तो शारदीय नवरात्रि के दौरान किसी दिन घर पर त्रिशूल ले आएँ। आप चाहे तो त्रिशूल का घर के मुख्य द्वार पर भी स्थापित कर सकते हैं, आप चाहे तो छत पर भी त्रिशूल स्थापित कर सकते हैं। इस उपाय को करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। और चार नंबर है, सनातन धर्म में संघ का विशेष महत्व है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को संघ अति प्रिय है, माँ दुर्गा को अपने हाथ में संघ धारण कर रखी है। वास्तु जातकों की माने तो घर पर संख रखने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसके साथ ही दुख एवं कष्ट भी आपके दूर होते हैं। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में संख जरूर बजाएं और लाएं भी, वही सुविधा के अनुसार संख की पूजा भी करें। वास्तु दोष को दूर करने के लिए पूजा के समाप्त होने के बाद आप संख जरूर बजाएं और ये उपाय आप डेली भी कर सकते हैं। आप अगर डेली पूजा करते हैं तो डेली आप पूजा के लास्ट में संख जरूर बजाएं, इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्ति
जाती है, सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। और दोस्तों नवरात्रि के दौरान रात में ये उपाय आप जरूर करें, जिससे माँ लक्ष्मी की पूजा, नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष पूजा होती है। लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः है, इस मंत्र का जाप आप जरूर करें रात्रि में। और दीप जलाना, घर के पूजा स्थल में रोज रात को दीपक जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और स्वच्छता, घर को साफ सुथरा और सजाएं, स्वच्छता वातावरण में माँ लक्ष्मी का आकर्षित होता है। और सरसों का तेल का दीपक जलाएं, नवरात्रि में रात में सरसों का तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है, इससे दक्षिण दिशा में रखें और माँ दुर्गा की आरती करें। रोज रात को माँ दुर्गा की आरती करें, इससे मन को शांति मिलती है और धन में वृद्धि होती है, धन के रास्ते खुलते हैं। और पत्ता या कलावा बांधना, धन रखने के स्थान पर पत्ता या कलावा बांधना ही बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। और भोग लगाएं, माँ दुर्गा को विशेष भोग लगाएं, जैसे बेसन के लड्डू नवरात्रि के दौरान विशेष रूपों से बनाए जाते हैं। और सकारात्मक सोच, रात में ध्यान और प्राणायाम करें ताकि मानसिक स्थिति सकारात्मक बनी रहे। और दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन सुबह उठकर 11 बार लक्ष्मी और श्री सूतक का पाठ आप जरूर करें। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी से एक साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को जय माता दी दोस्तों।